की बड़ी खबर कोटा से। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर का कोटा दौरा। एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने प्रदेश प्रभारी चुनाव प्रभारी का स्वागत किया। प्रदेश प्रभारी जावड़ेकर दशहरा मैदान पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सभा स्थल पर उन्होंने भूमि पूजन किया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है जनसभा आयोजित होने वाली है कोटा में, और उसी को लेकर पूरी तैयारियों का निरीक्षण करने, जायजा लेने और दिशा निर्देश देने के लिए वो वहां पहले ही पहुंच चुके हैं और उन्होंने सभास्थल का भूमि पूजन किया है और वहां पहुंच चुके हैं दशहरा मैदान में। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर कोटा में पूरी तैयारियों को निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ अधिक चर्चा के लिए, जानकारी के लिए राजेंद्र भारद्वाज लाइव कोटा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट है बताएं? प्रकाश जावड़ेकर जो है वहां पहुंच चुके हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, भूमि पूजन सभा स्थल का कर चुके हैं, बताएं। भारती, बताना चाहूंगा, प्रकाश जावड़ेकर को राजस्थान का चुनावी प्रभारी बनाया गया है। प्रकाश जावड़ेकर के कंधों पर एक बड़े जिम्मेदारी है जी। कोटा में 26 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने वाली है और नरेंद्र मोदी की सभा को देखते हुए आज प्रकाश जावड़ेकर ने यहां पर सभा निरीक्षण का दौरा किया, साथ में ही देखते हुए दिशा और निर्देश दिए। साथ में उन्होंने पत्रकारों से वार्ता भी की और बीजेपी के कई पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और बीजेपी के पदाधिकारियों से भी वो एक समीक्षा बैठक लेंगे। समीक्षा बैठक के साथ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 26 तारीख को रैली होने वाली है और एक बड़ी जनसभा होने वाली है, उस सभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे। बात करें सभी विधानसभा क्षेत्रों की, तो हर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साथ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में लाने के लिए लोगों से आग्रह किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो जिनसे सीधी बात करेंगे, जो बताएंगे। ये हमारे मनोज शर्मा यहाँ मौजूद हैं। मनोज शर्मा, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की सभा के लिए किस तरह की तैयारी कर रही है बीजेपी? बीजेपी सभी विधानसभा क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता पहुँचे। प्रकाश जावड़ेकर जी कोटा आए हुए हैं, सभी विधानसभा के प्रभारियों को वहाँ पर उन्होंने बुलाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी की सभा के लिए प्रचार प्रसार करें, जिससे कोटा में लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में आदमी जुट सके। इसके अलावा भारती, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पहुँचने का लक्ष्य रखा गया है और पूरी बीजेपी एकजुट नजर आ रही है और एकजुटता के साथ में ही बड़े पदाधिकारी हो, चाहे यहाँ के सांसद ओम बिरला हो, या चाहे छः के छः विधानसभाओं के छः प्रत्याशी हो, सभी लोग इस जो मोदी की जो सभा है उसको सफल बनाने में लगे हुए हैं। जी भारती जी, राजेंद्र, ये बताएं कि कोटा में मुकाबला काफी दिलचस्प है भाजपा और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि टक्कर आसान नहीं होगी भाजपा के लिए भी कोटा में, तो क्या माहौल वहां पर नजर आ रहा है? मोदी की जनसभा 26 तारीख को वहां पर होनी है, कितने लोग वहां पर पहुंचते हुए आपको नजर आ रहे हैं, कितने लोग पहुंचेंगे, कितने लोगों की व्यवस्थाएं की गई है, और अगर बात करें जनता की तो जनता में क्या माहौल है इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं? बात सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाए तो नरेंद्र मोदी को लोग सुनने के लिए काफी लोकप्रियता है और लोकप्रियता के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी तादाद में पूरे हिंदुस्तान में लोग सुनने के लिए आते हैं। और जिस तरह से अपन हाड़ौती में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में। बात करें यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है और सीधी टक्कर होने की वजह से दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। किसी भी पार्टी के लिए ये रण आसान नहीं है। रण आसान इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी के साथ 5 साल के कार्य गिनाने के लिए हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास 5 साल में बीजेपी की नाकामियों को गिनाने का एक महत्वपूर्ण और सुनहरा अवसर है। तो दोनों ही पार्टियां अपनी चुनावी में कमर कस लिया है और दोनों की दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी है। भारतीय, एक सीधी सी बात है कि जहां पर सत्ता होती है तो वहां थोड़ा विरोध होता है, मगर कहीं ना कहीं विकास के दम पर बीजेपी वापस सत्ता में लौटना चाहती है और ये तो चुनाव का समीकरण ही बता पाएगा और रिजल्ट आने के बाद ही बता पाएंगे कि किस पार्टी ने किस तरह से मतदाताओं को रिझाया। जी भारती जी, राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे कोटा से, जिन्होंने बताया कि तैयारियां जो हैं चरम पर हैं। चुनाव प्रभारी जो हैं
प्रकाश जावड़ेकर जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को। और बात करें जनता की, तो जनता जो है काफी उत्साहित है अपने प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, लेकिन ये जो चुनाव है कोटा में काफी दिलचस्प है। तो ये देखने वाली बात होगी कि 7 दिसंबर को कोटा की जनता किसका साथ देती है।